हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल नॉलेज। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि ट्रेन की टिकट जो आपने ऑनलाइन बनवाई हैं वो कैसे कैंसिल होती हैं, या आपने खुद अगर बनाई हैं तो वो कैंसिल होती हैं। अगर आपने ये ट्रेन की टिकट्स ऑनलाइन अपने IRCTC के अकाउंट के थ्रू बनाई हैं तो आप किस तरीके से उसे कैंसिल कर सकते हैं, चाहे वो पार्शली हो या फुली हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ट्रेन की टिकट्स, चाहे उसको पार्शली या फिर पूरी कंप्लीट, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, और गूगल पे आपको सर्च करना पड़ेगा IRCTC। उसके बाद आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको लॉगिन करना है अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ। यहाँ मैं अपना डालूँगा यूज़र नेम और उसके बाद पासवर्ड। अब नीचे टाइप कर दूँगा ये वर्ड जो ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद साइन इन करूँगा। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद आपको जाना है मोर पे, माय अकाउंट में सॉरी। उसके बाद आपको क्लिक करना है माय ट्रांजैक्शन पे, एंड उसके बाद बुक टिकट हिस्ट्री। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको आपकी टिकट्स, इसमें जितने भी आपने बुक किए हैं वो सारी टिकट्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। तो जो मैंने की है बुक, वो सबसे नीचे दिखेगी आपको। ये देखिए, अभी नीचे ये मंडे वाली जो 16th of March 2020 की, ये इस पर जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए इसमें आपको जो पैसेंजर्स की डिटेल्स है वो दिख जाएगी कि कितने उसमें पैसेंजर्स हैं। तो इस टिकट के अंदर मैंने 3 पैसेंजर्स के नाम डाला है, जिसमें कि एक बंदे की, यानी कि एक इंसान की मेरे को टिकट जो है कैंसिल करनी है। तो कैसे करेंगे अभी देखिए, इसमें मैं कैंसिल करूँगा उसमें से एक की, यानी कि पार्शली कैंसिल करूँगा, ना कि पूरी। अब दोस्तों देखिए, इसमें 3 नाम है, मोहम्मद निज़ाम, रोशन खातून और नासरीन परवीन। तो मुझे सबसे नीचे वाला नासरीन परवीन का कैंसिल करना है और बाकी 2 का नहीं करना है। तो उसमें देखिए दोस्तों, अब कैंसिल करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे कैंसिल टिकट का नीचे आ रहा होगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपसे ये पूछेगा आपको तीनों की कैंसिल करनी है या एक की या 2 की। तो मेरे को सिर्फ अभी फिलहाल एक ही की कैंसिल करनी है, तो मैं उस पर ऊपर वाला ना चूज़ करके ना सेकंड वाला, लास्ट वाला चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे इस पर्सन की जो टिकट है वो कैंसिल करनी है। अगर आपको सबकी करनी है तो आप सब पे टिक करके कैंसिल का ओके कर देंगे। फिलहाल मेरे को एक की करनी है, तो मैं एक पे क्लिक करके अब कैंसिल टिकट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ओके पे करूँगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन 2 आ रहे हैं, प्रिंट कैंसिल रिसीट एंड प्रिंट कैंसिल रिसीट, हिंदी और इंग्लिश में। अब मैं इसमें इंग्लिश वाले पे क्लिक करता हूँ, और अब ये दोस्तों आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते तो इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको PDF में सेव कर लेता हूँ, PDF फॉर्मेट में, और बाद में इसका प्रिंट आउट मैं निकाल लूँगा। उसके बाद दोस्तों जैसे देखिए, यहाँ पे आप जैसी टिकट कैंसिल हुई है, वापस मैं इस पे आता हूँ, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शल कैंसल्ड, यानी कि आधी कैंसिल हुई है, ना कि पूरी, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, ये पार्शली कैंसल्ड हो चुकी है। तो अब जो है उस पर जिस पर्सन के हमने कैंसिल किए, वो आपको अब उस ट्रेन से सफ़र नहीं कर सकता, और उसका रिफंड जो है वो हमारे उसी
ओरिजिनल पेमेंट मोड में वापसी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये है कैंसल लिखा हुआ है और यहाँ पे CAN का मतलब होता है कैंसल। उसके बाद जो आपका जो रिफंड है फ्रेंड्स, वो आप लोगों का आपके ओरिजिनल पेमेंट मेथड में वापस आ जाएगा जिससे आपने पेमेंट की थी। तो इसका कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, यानी कुछ अमाउंट कटता है, तो वो आपके अकाउंट में कुछ कट के आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू।